आरा शहर के गोढ़ना रोड अनाइट स्थित प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में 5 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के फाइनल राउंड का शुभारंभ आरा के पूर्व मेयर सुनील कुमार, विद्यालय के चेयरमैन विश्वकर्मा कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। वर्ग प्ले से लेकर वर्ग 9 तक के छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं इस प्रतियोगिता में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय को मेडल तथा सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत भी किया गया। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, सॉफ्ट टेनिस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिले रेस, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रेस, टॉफी रेस, पेयर रेस, सैक रेस, मार्बल स्पून रेस रहे। इस अवसर पर उपस्थित विद्यालय के चेयरमैन विश्वकर्मा कुमार ने सभी बच्चों को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया और कहा कि हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें प्ले वर्ग से लेकर 9वीं तक के छात्र छात्राएं शामिल होते हैं और बच्चों को खेलने का अवसर दिया जाता है। इसमें विद्यालय स्तर पर खेले जाने वाले लगभग सभी खेलों को खिलाया जाता है। सभी खेल शिक्षक की देखरेख में कराए जाते हैं। इन खेलों के माध्यम से बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है और उनमें टीम यूनिटी और सहयोग की भी भावना का विकास होता है। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य शैलेश कुमार ने खेल शिक्षक राहुल कुमार, अभिजीत प्रकाश, आकांक्षा श्रीवास्तव, एंजल मेरी, अरुण प्रसाद, आशुतोष आनंद, आशुतोष कुमार सिंह, प्रीति कुमारी, चंदेश्वर पांडे, दिव्या प्रसाद, जरना राय, प्रिया कुमारी, प्रीति कुमारी सिन्हा, पूजा चौधरी, रजनी वर्मा, रोशन कुमार, रोहिणी लता, सीताराम श्रीवास्तव, सुनील मिश्रा, सुप्रिया कुमारी, सुरक्षा राय, त्रिजा मुखिया, उर्मिला छेत्री, प्रज्ञा गरिमा, अविनाश कुमार सहित कई अभिभावक भी उपस्थित रहे। इस खेलकूद प्रतियोगिता में लॉन्ग जंप में प्रथम स्थान आशीष यादव, द्वितीय हिमांशु कुमार, तृतीय संकल्प तिवारी को मिला। वहीं गर्ल्स में लॉन्ग जंप में प्रथम स्थान मधु कुमारी, द्वितीय सोनम कुमारी व तृतीय सौम्या कुमारी रही। 100 मीटर रेस बॉयज में प्रथम स्थान अंकुर कुमार, द्वितीय सोनू कुमार, तृतीय अश्विन कुमार रहे। वहीं 100 मीटर रेस गर्ल्स में प्रथम मधु कुमारी, द्वितीय आशी कुमारी, तृतीय सौम्या कुमारी रही। वहीं लॉन्ग जंप गर्ल्स में प्रथम रत्ना शर्मा, द्वितीय सुकृति कुमारी, तृतीय नव्या सिंह रही। रिले रेस बॉयज की बात करें तो प्रथम स्थान आर्यन कुमार, द्वितीय विराट कुमार, तृतीय प्रीतम कुमार रहे। वहीं रिले रेस गर्ल्स में प्रथम स्थान काजल कुमारी, द्वितीय श्रेया कुमारी, तृतीय सलोनी कुमारी रही। जलेबी दौड़ में प्रथम स्थान सूरज, द्वितीय आयुष, तृतीय मनीषा को मिला। वहीं 200 मीटर रेस में बॉयज में प्रथम स्थान प्रिंस कुमार को, द्वितीय सन्नी कुमार को, तृतीय सूरज चौधरी को तथा गर्ल्स में प्रथम स्थान रत्ना शर्मा, द्वितीय पल्लवी प्रिया और तृतीय लवली कुमारी को मिला। कबड्डी बॉयज में विनस हाउस विजेता रहा, वहीं कबड्डी गर्ल्स में अर्थ हाउस विजेता रहा। कौन कौन से खेल कूद का आयोजन है, कौन कौन सफल? आज हमारे प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स का फाइनल डे है। आज सारे बच्चों को प्राइज और उनका जो भी गिफ्ट है वो दिया जाएगा। चूँकि 5 दिन में बच्चों ने बहुत मेहनत किया और हर गेम में पार्टिसिपेट किया। प्ले क्लास से लेकर 10th क्लास तक के सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रिले रेस, छोटे बच्चों के लिए जलेबी रेस, बनाना रेस, टॉफी रेस, बलून, फिर कबड्डी, खो खो, फिर क्रिकेट और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ों का आज सारा गेम का समापन हो जाएगा और जो भी बच्चे जीतेंगे उनको आज प्राइज मिल जाएगी और जो भी हाउस सबसे ज़्यादा पॉइंट लाएगा उसको हाउस विनर घोषित किया जाएगा और उनके लिए उनके कप उनको आज ही दे दिए। हर साल आयोजन होता है ये? हाँ, स्कूल में स्पोर्ट्स तो हर साल आयोजन होता है। स्पोर्ट्स का बेसिक मकसद है बच्चों का फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, इसके लिए ही हम लोग स्पोर्ट्स पे ज़्यादा वो बच्चों को प्रेरित करते हैं। थैंक यू। Go!
There is a huge round of competition among the kabaddi players of Mars House and Earth House Boys. Earth House Boys नहीं आ रहा है उसमें।